आज हम बनाने जा रहे खसखस की खीर। इस खीर को आप व्रत में भी खा सकते हो। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए, 2 गिलास दूध, 20-25 दाने बादाम के जो कि भिगो के छिलका उतार ले, 1 कटोरी चीनी, 1 टेबल स्पून देसी घी, 1 कटोरी खसखस। इसको 6 से 7 घंटे भिगो के रखना है। सबसे पहले मिक्सी में बादाम और खसखस को पीस लें। अब गैस पे कढ़ाई गरम होने रखें और इसमें डालें 1 टेबल स्पून देसी घी। जब हमारा घी गरम हो जाए तो हम खसखस और बादाम का जो पेस्ट हमने बनाया वो इसमें डालेंगे। घी हमारा गरम हो चुका, अब इसमें डालेंगे बादाम और खसखस का पेस्ट। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे थोड़ी देर, ब्राउन कलर आने तक इसको हिलाते रहें कलछी से, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। ये हमारा मिक्सचर जो है भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध को चलाते रहेंगे ताकि ये फटे ना, जब तक इसमें उबाल ना आए तो इसको हिलाते रहेंगे। गैस तेज कर लेंगे, इसको उबलने तक चलाना है। दूध उबल चुका है, अब इसको 10 मिनट तक पकने दें, गैस सिम कर दें ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ये हमारी खसखस की खीर तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार, ज्यादा मीठा चाहिए तो ज्यादा डाल लो, कम मीठा चाहिए तो कम डाल लो। अब इसको थोड़ी देर हिलाएंगे, तो चीनी हमारी गल जाए तो इसको हम बंद कर देंगे। हमारी खसखस की खीर खाने के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।